जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और फर्स्ट बाइट टीवी के इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहने को तो हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, हम दर्शाते भी ऐसे ही हैं कि हम जैसे स्वतंत्र विचारों वाले, खुली सोच वाले, खुले दिल वाले इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। लेकिन हकीकत जब हम गौर करें तो नज़ारा कुछ और ही होता है और कुछ और ही दिखाई देता है। जी हाँ, ये बात थोड़ी कड़वी जरूर है लेकिन सच है। जहाँ आज हम 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, वहीं इसमें बहुत कुछ परतंत्र भी है। इतने सालों की आजादी के बाद भी हम वास्तव में आजाद नहीं हुए। कहने को सुनने को हम आजाद दिख सकते हैं, लोगों के सामने अपनी प्रशंसा दिखाने और प्रशंसा पाने के लिए ऐसा भ्रम भी रच सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सत्य नहीं है। आज भी आप भारत देश के किसी भी कोने में चले जाएं, कहीं ना कहीं इस बात की सत्यता को जरूर परखेंगे, चाहे वो बात नेता राजनेताओं, घर परिवार, रिश्तेदारों की हो या फिर वर्किंग कल्चर की। इस बात को आप नकार नहीं सकते कि वास्तव में जो दिखता है वैसा होता नहीं है। बात अब चाहे दिल्ली गैंगरेप कांड की हो या फिर हर रोज छोटी बड़ी बालिकाओं, युवतियों या सरे राह छेड़छाड़ की शिकार होने वाली महिलाओं की हो, दहेज के लिए दी जाने वाली नारियों की बलि की हो, उन्हें टॉर्चर करना, मारना, काटना, जलाना, ये सारी बातें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हम वाकई आजाद हैं। कहीं भी नजरें उठाकर देख लीजिए, इसमें स्वतंत्रता कहीं भी दिखाई नहीं देती। आजाद होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्वच्छंद होकर मनमानी की जाए, अपनी मर्यादा को भूलकर सरेआम अनैतिक कृत्य किए जाए। देश के सभी लोग स्वतंत्रता का सही सही आशय समझें, नेता वर्ग और आम जनता भी अपनी सीमाएं खुद तय करे, पराए बेटा बेटी को भी दिल से अपना माने, क्या सही क्या गलत ये करने से पूर्व सोचें, तभी स्वतंत्रता का असली आनंद उठाया जा सकता है। और फिर तब हम गर्व से कह सकेंगे कि हम भारतीय होने के साथ साथ आज स्वतंत्र भी हैं। तो वतन हमारा मिसाल मोहब्बत की, तोड़ता है दीवार नफरत की, मेरी खुश नसीबी मिली जिंदगी इस चमन में, भुला ना सके कोई इसकी खुशबू सातों जन्म में। आप सभी को फर्स्ट बाइट की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और इस वीडियो के खत्म होने तक ये सोचिएगा जरूर, क्या हम और आप आजाद हैं। नमस्कार, इजाजत दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।